सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। सुदर्शन न्यूज चैनल के विवादित शो बिंदास बोल पर सुप्रीम कोर्ट की नजर। शो के प्रोमो में कर रहे सरकारी नौकरशाही में मुस्लिम घुसपैठ की बात। जामिया के स्टूडेंट्स को कहा जा रहा जिहादी। चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के शो के प्रसारण पर कोर्ट ने लगाया विराम। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के विवादित शो बिंदास बोल के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। दरअसल इनके शो बिंदास बोल के प्रोमो में यूपीएससी जिहाद, नौकरशाही जिहाद का पर्दाफाश करने की बात कही गई। सुनवाई कर रहे बेंच ने कहा कि प्रोग्राम में मुस्लिमों की अपर एज लिमिट और वो कितनी परीक्षा दे सकते हैं, इसे लेकर कई फैक्चुअली गलत दावे किए गए हैं। सभी समुदायों का को एग्जिस्टेंस लोकतंत्र का मूल है। ऐसे में किसी धर्म को विलेन की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण पर अगले आदेश तक रोक है। इसके अलावा शो को किसी और नाम से भी नहीं चला सकते हैं। और साथ ही सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि वो 5 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनाने पर विचार कर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ स्टैंडर्ड्स को तय कर सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुरेश चौहान ने एक के बाद एक ट्वीट किए। ट्वीट में सुरेश चौहान ने लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हैशटैग बिंदास बोल के हैशटैग यूपीएससी जिहाद सीरीज पर रोक से हम असहमत हैं। यह मीडिया की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है। न्यायालय के सामने 4 घंटे के एपिसोड से केवल एक ग्राफिक बताई गई, जबकि टीवी पर ऑडियो सुने बगैर विजुअल से अर्थ निकालना गलत है। हमने जो कहा शब्दशः उस पर कायम है। इसके बाद सुरेश चौहान एक और ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हैशटैग सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद मीडिया की स्वतंत्रता पर विशेष हैशटैग बिंदास बोल कहाँ है? हमारे संवैधानिक अधिकार कहाँ गए? हैशटैग फ्रीडम ऑफ स्पीच के तमाम पैरोकार, सत्य के लिए सदा संघर्ष करते रहने का संकल्प। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी थी और उसके बाद 11 और 12 सितंबर को 2 एपिसोड प्रसारित भी किए गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे के कार्यक्रमों के प्रसारण पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि एक तरफ केंद्र सरकार इसके प्रसारण पर रोक नहीं लगाती दिख रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको समर्थन जिस तरह से मिल रहा है सुरेश चौहान को, उसी तरफ जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वो लगातार इसके प्रसारण पर रोक लगाने की यहाँ पर बात उन्होंने की है, ऑर्डर यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया के जो बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं गलत भावना यहाँ पर पैदा होगी। साथ ही साथ ये एक बड़ा रूप यहाँ पर ले सकता है जिस तरह के ये धर्म विरोधी जो कार्यक्रम यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे, इसको लेकर अब आगे और क्या कुछ यहाँ पर होता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सुरेश चौहान लगातार अपनी बात ट्विटर पर रखते आ रहे हैं कि वो नहीं रुकेंगे और कहीं ना कहीं एक आक्रामक तेवर उनके यहाँ पर दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पार्क न्यूज़।